हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टो स्टोरी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है भारतीय खुफिया एजेंसी रो के बारे में। खुफिया एजेंसियां किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं और भारत की खुफिया एजेंसी रो है। क्या आप जानते हैं यह काम कैसे करता है? आपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रो पर बहुत सारी फिल्में तो देखी होंगी, लेकिन असलियत में इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको रो से संबंधित कुछ ऐसे इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। भारत की खुफिया एजेंसी रो का गठन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तब किया गया जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की सुरक्षा की जरूरत को महसूस किया। अगर आपने इस एजेंसी के बारे में खबरों में या कहीं और ज्यादा कुछ नहीं सुना है तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वास्तव में कितना गुप्त रखा गया है। रो पर आरटीआई नहीं डाल सकते क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। अगर आपको रो में शामिल होना है तो आपके माता पिता का भारतीय होना बहुत जरूरी है। रो का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षित है। इसका मतलब है जो शख्स धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। रो अपनी सीधी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजती है और इसका डायरेक्टर भी सेक्रेटरी के द्वारा चुना जाता है। ऐसे प्रत्याशी जिनका चुनाव रक्षा बलों में हुआ हो और उन्हें शामिल होने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना आवश्यक हो जाता है। मिशन पूरा होने के बाद अधिकारी को अनुमति होती है कि वह अपने मूल विभाग में वापस जा सकता है या उसके पास अगर इतना शौर्य ना बचा हो तो बेशक वह वापस जा सकता है। जो लोग रिश्वत लेने और लालची टाइप के होते हैं उनको इस एजेंसी से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि यह एजेंसी कोई मालामाल होना नहीं है। सिक्किम को भारत में शामिल करने का श्रेय बहुत हद तक रो को ही जाता है क्योंकि इस एजेंसी ने ही वहां के नागरिकों में भारत समर्थक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपका रो में शामिल होने का एक सपना राज होना चाहिए और ये राज किसी को नहीं पता होना चाहिए। यह एक डेस्क पे बैठकर काम करने वाली नौकरी नहीं है। यदि आप किसी मिशन पर हो और पूरी संभावना है कि आपके परिवार को भी इसके बारे में ना तो पता होगा और ना आप बताएं। रो में काम करने के लिए आप यह साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहें कि आप 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं और खुद को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकते हैं। अगर आप किसी खेल में अच्छे हैं तो यह आपके प्रवेश के अवसर को और बढ़ा देती है। आप अपने विभाग से कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी होशियारी से उन्हें मात दे सकते हैं तो यह आपकी गलती है। चीनी, अफगानी या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान आपको दूसरों से ऊपर खड़ा कर सकता है। आपको ये बता दें कि एक जासूस के राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी तक को यह नहीं पता होता कि उसका पति एक रो का एजेंट है। पर भारत के परमाणु कार्यक्रम को गोपनीय रखना भी रो की ही जिम्मेदारी थी। रो में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को बंदूक नहीं मिलती बल्कि उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बचना पड़ता है। रो का गठन अमेरिका की CIA की तर्ज पर ही किया गया था। इसके ऑफिशियल्स को अमेरिका, UK और इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती है। रो में शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका है UPSC पास करो और IPS या IFS पद पर कार्यरत हो जाओ। यदि रो का एजेंट दूसरे देश में जासूसी करता हुआ पकड़ लिया जाए तो अपने देश की सरकार ही उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है, उनकी किसी तरह की कोई सहायता नहीं करती और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक भी नसीब नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के रविंद्र कौशिक के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो भारत की खुफिया एजेंसी रो के बारे में। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट और कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।